यूपी में कोरोना कर्फ्यू है, इसी के चलते यूपी पुलिस सड़कों पर है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है, बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामपुर में, जहां पुलिस ने ऐसी सख्ती दिखाई कि आने जाने वाले वापस अपने घरों को लौटते नजर आए। दरअसल रामपुर में लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए, जिसके चलते अभी तक लगभग 500 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं 52 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और यूपी पुलिस ने किस तरह से बेवजह घूमने वाले लोगों को लताड़ लगाई, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपको कानून का पता है, कर्फ्यू में निकल रहे परिवार लेके घूमने जा रहे, ईद में मिलने जा रहे, सबको रोज चिल्ला रहे कि मत जाओ घरों में रहो, बच जाओगे मर जाओगे, नहीं मानोगे, क्या चलान काटो? नहीं बिल्कुल सही है, मैं आपका साधन रख लेता हूँ, उसको सीज कर देता हूँ, पैदल चले जाओ। जब अगली बार जब निकलोगे तो थोड़ा कष्टों का साधन सुना खुद चुराना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा। ऐसा है, मुकदमा लिखवा लो, लीगल कार्रवाई परफेक्ट किया है, तो मैं आपके मुकदमा लिखूंगा, आपका मुकदमा भी चलान करूँगा, मेडिकल करूँगा, कर देता हूँ। आपके लिए ये सब कर रहे हैं, रोड में खड़े हैं गर्मी में, बिल्कुल आप कोऑपरेट कर रहे हो? किस तरह से रामपुर के पुलिस अधीक्षक इस शख्स को लताड़ लगा रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा में तैनात हैं, लगातार फिक्र कर रहे हैं और आप लोग हैं कि सड़क पर बेवजह घूमने को निकले हो। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, अगर वो नहीं मानते हैं तो इन्फोर्समेंट में जो भी चालान बनता है या लीगल कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। और लगातार चेकिंग कर रहे हैं मास्क को लेकर, लेकिन तो जनता जो है मानने के लिए तैयार नहीं, काफी के चालान भी करे जा रहे हैं, उसके बाद ही नहीं मान रहे। देखिए हमारा काम है इस टाइम पे लोगों को जागरूक करना, ना माने तो इन्फोर्समेंट में जो भी चालान बनता है या लीगल कार्रवाई बनती है वो करना है, तो हम वही इस टाइम पे कर रहे हैं, कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिला है। लोग अब कम निकल रहे हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद है या किसी कुछ काम है और उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं तो वो निकल रहा है, बट इक्का दुक्का 90% तो फॉलो कर रहे हैं, 10% ऐसे लोग मिल जाते हैं जो घूमने के लिए या मिलने के लिए किसी से बिना मतलब निकल रहे हैं, तो उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं, जैसे भी आपने देखा उनको समझा भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं क्या खतरा है। अब दिक्कत ये है कि लोगों को अंदर से जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों के माध्यम से दोबारा कहना चाहेंगे कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहन के जरूर लिखें, मास्क भी ढंग का पहने, डबल मास्क अगर पॉसिबल हो तो अपने ऊपर लगाएं, और साथ में जितने कोरोना प्रोटोकॉल के कोविड का जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसका पालन करें, तो इस बीमारी पर जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी भी सेफ्टी देखें और अपने आसपास वालों की सेफ्टी देखें, यही हम आपके माध्यम से कहेंगे। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है, लोग अब बहुत कम बाहर निकलते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जनता है कि मानने को तैयार नहीं, तो इसीलिए पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ रही है और रामपुर पुलिस की पैनी नजर है कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन करने वालों पर। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।